और सेटिंग बनाएंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग कंफर्म करिएगा, एक बार सभी लोग कंफर्म करिएगा कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा हो तो हम क्लास को भी स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जुड़ गए होंगे। सर सब कुछ क्लियर है, नमस्ते सर, नमस्ते भैया गुरुदेव, अब क्लास मिल गई, बहुत देर बाद हम परेशान रहे, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, गुड इवनिंग जी सर, चले ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हमको भी रही, अभी मैं दोपहर में जबकि इसी से जो दूसरे क्लास पे दूसरे उसमें क्लास में मैं आया था लाइव दूसरे चैनल पे, तो सब कुछ सही था, सब कुछ हो भी पाया था, बट इस समय जब इस वाले पे आ रहे थे तो पता नहीं क्यों, कहाँ से फॉल्ट, क्यों एरर, अब जो भी रही हो फिलहाल वो सब सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम चैट जो है देखने के लिए आपको, आप लोगों के चैट भी देखना जरूरी है, तो अपना ये सेटअप थोड़ा सा सेट कर दें ताकि चैट दिखाई देता रहे, ठीक है, चैट हम देखते रहेंगे। निर्दोष जी भी आ गए हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्लास को प्रारंभ करेंगे, क्लास को प्रारंभ करेंगे। कोई चीज़ जब स्टार्ट करो तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब स्टार्ट हो जाता है तो सब कुछ सही चलने लगता है, जब क्लास स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम थी, चलो अब लाइव हो गया है तो अब सब कुछ चलेगा, अब इसी समय में जो है लंबा पढ़ा दे तो ज़्यादा सही है। तो सभी लोग रेडी हो जाएं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास है इसमें थोड़ी सी पेन जो है मोटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो सभी लोग चलिए एक बार पहले यहाँ भी वंदना कर लेते हैं ताकि इस बार क्लास स्टार्ट हो तो सभी लोग पार हो जाएं और सभी लोग पूरा का पूरा क्लास सफलतापूर्वक देख पाएं, इसलिए चलिए वंदना कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननम भूत गणाधिशेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम माशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाया शुभ्रवस्त्रावीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्माशना या ब्रह्माच्युत शंकर कवित वीर देवै सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यं जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अवैद्यां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्माशने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदां शारदां। आज सारी वंदना हम करेंगे, उसके बाद ही प्रारंभ करेंगे ताकि कोई भी विपत्ति न आए और क्लास पूरी की तरह पूरे तरीके से सफल हो। इस बार स्टार्ट हो रहा है तो सभी लोग पार ही हो जाइए। ओम श्री सद भगवान की जय। जय सद गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी निर्गुण निर्मूलम धैर्य स्थूलम काटन शूलम भवभारी शूरत निज सोहम कलिमल खोहम जन मनमोहन छवि भारी अमरापुर वासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी अनुभव गंभीरा मति के धीरा यलक फकीरा अवतारी योगी अद्वैष्टा त्रिकाल द्रष्टा केवल पद आनंदकारी चित्रकूट ही आयो अद्वैत लखायो अनुसुयाशन मारी श्री परमहंस स्वामी अंतरयामी है बड़े नामी संसारी हंसन हितकारी जग पगुधारी गर्व प्रहारी उपकारी शतपंथ चलायो भरम मिटायो रूप लखायो करतारी यह शिष्य है तेरो करत निहोरो मो पर हेरो प्रणधारी जय सद गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी निर्गुण निर्मूलम धैर्य स्थूलम काटन शूलम भवभारी। बोलिए श्री सद भगवान की जय। बोलिए श्री सद भगवान की जय। तो चलिए ठीक है, तो सभी लोग का कल्याण हो, सभी लोग जो है क्लास में निरंतर बने रहें,
अबाधित रूप से सबको जो भी ज्ञान मिलने वाला है वो मिले, प्राप्त हो और यह क्लास निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए मैं बाबा विश्वनाथ जी को प्रणाम करता हूँ। और बाबा विश्वनाथ जी के माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद सभी लोगों पर पड़ी रहे, भगवान संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद पड़ा रहे, सबके विपत्ति आने वाले संकट सबके दूर हो जाएं और यह क्लास सबको सफलता तक पहुंचा दे, सभी लोगों को सफल बना दे। इसी आशीर्वाद के साथ में हम क्या करते हैं, यह क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज सभी लोग हमारे साथ में आए हैं, उपस्थित हुए हैं, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विभु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक कुमार जुड़े हैं, रिंकी यादव और अशोक जी भी हैं, रिंकी यादव, शुभम कुमार हैं। अब डेली क्लास होगी सर? हाँ जी बिल्कुल डेली होगी। दिव्या गौर मतलब विराट जी जुड़े हैं हमारे साथ में जी, बहुत बहुत स्वागत हो, तो बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आप सभी लोग जो है क्लास में नित्य प्रतिदिन अब बने रहा कीजिएगा। और मैं यहाँ पर जो है व्याकरण से, ठीक सर दिखा दो, जाओ प्लीज, क्या दिखा दें, क्या दिखा दें। तो आज सभी लोग जो है अब वर्णमाला पढ़ेंगे, प्रत्याहार पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र भी पढ़ेंगे। तो सभी जो व्याकरण है, व्याकरण को हम यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से। निर्दोष गुरु जी भी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, बिल्कुल बेसिक से नीचे से एकदम हम स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को पहुंचाते पहुंचाते पूरी पूरी ग्रामर इस बार खत्म करेंगे। फिर आप लोगों को जो संस्कृत पीरियड होगा जो भी करवाएंगे, और ध्यान रहे एक सेशन मैं और लूंगा, आप लोगों को बता दूं कि उसमें मैं केवल और केवल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, केवल और केवल क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप लोग सारे के सारे क्लासेस को करते रहिएगा, कहीं कुछ छूटने ना पाए। सर आपकी क्लास कब कब होती है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, तो सभी सबसे बड़ी बात जो सबको पहले नंबर चाहिए होता है, मोबाइल नंबर, ए नंबर, ओ नंबर। तो मोबाइल नंबर के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप सामने आ जाएं और क्या। तो सामने अब आज तो अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब पूरा सिस्टम मेरा फिर सर खराब हो जाएगा। तो अब सामने वाला सिस्टम अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट डे से हम अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले क्लास के क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले हैं उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो क्लास हमारी होगी यूट्यूब पर होगी, ठीक है, यूट्यूब पर, यह यूट्यूब पर क्लास डेली की होगी, ठीक, डेली की होगी, 8 बजे रात में, 8 बजे रात में होगी, ठीक है, डेली की डेली होगी 8 बजे रात में। सभी लोग लाइक कीजिएगा, सभी लोग अपने ग्रुप में जो है शेयर कीजिएगा, सभी लोग ग्रुप में शेयर कीजिएगा। देखिए अगर संख्या आप लोगों की पर्याप्त बनी रह गई तो निश्चित तरीके से क्लास डेली होते रहेंगे। अब किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम यहाँ बता रहे हैं, देखो मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9807092956, ये नीचे चल रहा है, ठीक। मैं वाराणसी काशी से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सभी लोग को पता है। मैं अन अकेडमी प्लस पे आप लोगों को लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे रेफरल कोड मेरा PP10 है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे हम दे सकते हैं। सभी लोग मेरे यहाँ क्वेश्चन वाली भी क्लास जल्दी स्टार्ट कर देंगे, वो भी मैं बता दूंगा। तो एक डिटेल क्लास, उसके बाद क्वेश्चन वाली क्लास, डिटेल क्लास, क्वेश्चन वाली क्लास, ये दोनों मैं चलाता रहूंगा सारा। देखो एक साथ हम सब कुछ स्टार्ट ही कर दें और चला कुछ भी ना पाए तो भी सही नहीं है, चला कुछ भी ना पाए तो भी सही नहीं है। तो सभी लोग अब शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी करना होगा बेल आइकन लगा लीजिएगा। अब चले चलते हैं वर्णमाला पे, और जो अनएकेडमी भी क्लास होती है, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे डेली एक क्लास रखेंगे, यहाँ पे डेली क्लास रखेंगे, और एक मैथ की क्लास रखेंगे, एक संस्कृत की क्लास रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, संख्या आप लोगों की बनी रही, पर्याप्त रही, तो क्वेश्चन वाले भी क्लास इसी पे चलाएंगे, क्वेश्चन वाले भी करवाऊंगा, वीडियो वाली वाला भी नहीं करवाएंगे, पहले एक साइड से चलेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके पता है सर, पता नहीं क्या पता है। तो चले चलते हैं वर्ण विचार की ओर, वर्ण विचार से हम लोग प्रारंभ करेंगे। वर्ण अथवा अक्षर क्या होते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, सबसे पहली बात आती है वर्ण अथवा अक्षर। इसके पहले आप लोग सभी लोग जानते होंगे माहेश्वर सूत्र, ठीक है, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र कैसे आया था उसकी इतिहास हम एक दिन क्लास के बाद बताएंगे, आज पहले वर्णों को बता देते हैं, फिर वर्णों के प्रूफ के साथ में वहां लेके चलेंगे। वर्ण अथवा अक्षर क्या होते हैं, न क्षरत इति अक्षर, जो जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, वही क्या होता है, अक्षर कहलाता है। जिसका नाश नहीं हो, जिसका क्षरण न हो, वो क्या हो जाएगा, आपका अक्षर कहा जाएगा, ठीक है, यही अक्षर कहा जाता है। तो न क्षरत इति अक्षर, न क्षरत इति अक्षर, याद रखिएगा। अब यह क्या क्या होते हैं भी ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके स्वर और व्यंजन है यही वर्ण है, जितने भी आपके स्वर और व्यंजन है। तो जो वर्ण है ना, ये वर्ण जो आप लोग पढ़े हैं, यह वर्ण दो तरीके से देखने को मिलेगा,
अच्छा, आपकी क्लास, मेरी क्लास में है आप, चलिए कोई बात नहीं। तो वर्ण जो है दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं स्वर होते हैं और एक होते हैं व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं। अब ये स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 बताई गई है और व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई है, व्यंजन संख्या बताई गई है 33। ध्यान दीजिएगा, 9 स्वर 33 व्यंजन, मैं बार बार बताता हूँ, 9 स्वर 33 व्यंजन और इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। 9 स्वर 33 व्यंजन इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। तो आप इस बात को भूलिएगा मत, वर्ण आप क्या हो गए, वर्ण को ही हम वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला में दो चीजें हम लेके चलेंगे, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर संख्या 9 है और इसकी है 33। इसको चलो हम बारी बारी करके देख लेते हैं। वर्ण देखो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, नंबर एक स्वर, नंबर एक नंबर दो व्यंजन। अब जो वर्ण होते हैं वो पूरे के पूरे हो जाते हैं। जी नमस्ते, हम आशुतोष मिश्रा जी देख रहे हैं आपको, ठीक है। सरिता सिंह है, गुड इवनिंग। दिव्या जी हैं, रिंकी हैं और निर्दोष जी भी हैं, बबीता पाल हैं, सभी लोग हैं। तो स्वर है, स्वर की संख्या देखो 9 होती है और सभी लोग जानते होंगे, जब अभी हम वर्णमाला, जब हम भाषा सूत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो शुरू के चार सूत्र हैं कौन कौन है, अ ई उड़ री लृक ए ओंग ऐ औच। ये जो शुरू के चार सूत्र हैं, ठीक, ये जो शुरू के चार सूत्र हैं इन्हीं में स्वर बताए गए हैं। इसी में क्या बताए गए हैं, स्वर बताए गए हैं। तो ये चार सूत्रों में स्वर हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम अच भी कह लेते हैं, अभी बताएंगे प्रत्याहार तो उसमें बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंत्य वर्ण जो होते हैं उसकी हलंत्यम से संज्ञा होकर के लोप हो जाता है तस्लोप से, तो उसको छोड़ देते हैं, जो बचता है वही। तो कितनी स्वर बचे, संख्या कितनी बची, संख्या बची 9। संख्या कितनी बची है, संख्या बची है 9 और यही 9 स्वर होंगे। कौन कौन होंगे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहां से आप देखिएगा, लिखते चल चल रहे हैं हम। तो है अ ई उ री लि ए ओ ऐ औ। यही क्या है, यही संख्या 9 आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वरों की संख्या 9 है। जब भी कभी आए सर, कल से क्लीन बोर्ड रखिएगा, इधर साइड, ए इधर साइड जो सब इसे हटा दें। बताओ शुभम कुमार, तुम तो पहले सबसे बड़े फ्रॉड हो, सबसे पहले फ्रॉड हो, पहले तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है, कौन सा क्लीन रखना है, क्या रखना है, ठीक है। शुभम सबसे फ्रॉड लड़का है, ठीक है। एक ये है और एक कोई है, वो बेवकूफों की तरह क्या भेजते हैं हमको कि इसको 9 जगह पहुंचाओ, 15 जगह पहुंचाओ, 11 जगह पहुंचाओ, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम क्या सनक गए हो क्या, माइंड नहीं काम कर रहा, बेवकूफ हो गए हो क्या, तो हमको क्या कह रहा है, वो हमको क्या कह रहा, बकलोल हो का हम कह, रुक जा बताते हैं अभी हम बकलोल हैं कि क्या है, तुम यही सब कर रहे हो। तो अब इसमें कौन था, अभी नाम फिर से मैं भूल गया हूँ, तो हम कह, रुक जा बताते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बकलोल हो क्या, हम जब बताते हैं हम क्या हैं, अभी अभी माइंड ठिकाने लगा देते हैं कि हम क्या हैं, छोटे कहीं के। एक तो काम मतलब हेल्प भी करो, सब पहुंचाओ भी, ऊपर से ये उल्टा पुल्टा ऑडियो वीडियो और क्या पोस्ट पेज कर रहा है, और हम ही को पोस्ट कर करके जब पूछ रहे हैं तो कह रहा है कि ऐसा ऐसा, ठीक है आगे देते हैं। हाँ तो वही चीज, तो उसी वैसे ही सभी लोग होते हैं। तो देखो, तो अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, ये आपके 9 स्वर मिल जाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, अभी तो गाली देना स्टार्ट करोगे बेटा, अभी कहाँ परेशान हो, अभी तो गाली दोगे ही। तो एक क्या हो गए आपके, जब ए आ ई ऊ रिल री ए जब पूछे जाए तो ध्यान से इस तरीके से ही लिखिएगा, क्रम आगे पीछे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अभी जब कल हम नेट में थे तो उसमें पूछा गया था, जश जो प्रत्याहार है उसमें जो वर्ण है उसका सही क्रम क्या है, वो जबगढ़ दश में आते हैं, जबगढ़ दश, ठीक है, जबगढ़ दश इस तरीके से। तो इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ वो धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे, नहीं आप नहीं किए हो, आप नहीं किए हो, लेकिन आप अभी किए हो, जब कुछ पूछ रहे हैं हम, अभी पूछ रहे हैं कि किसी को जो है सब्सक्रिप्शन चाहिए तो, अरे नहीं चाहिए तो ठीक है, तो उसके साथ में उल्टा सीधा चीजें बोलने की क्या जरूरत है, नहीं चाहिए मतलब हम जबरदस्ती थोड़ी तुम्हारे घर पे पहुंचा रहे हैं किसी को, तो वो सब डिलीट कर देते हैं लोग, लेकिन पता चल जाता है कि क्या क्या लिखे हैं। तो ये सब क्या हो गया आपके, श्योर हो गया। फिलहाल हम जानते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं, दोगे भी तो कभी कोई दिक्कत नहीं हमारे, ठीक है। तुम मजे में हो, बढ़िया हो, सब करते रहो, ठीक है आगे देखते हैं।
तो व्यंजन क्या होते हैं, तो वो स्वर हो गया। अभी स्वरों के बारे में और चर्चा करेंगे। व्यंजन क्या है? व्यंजन देखो, जिनको हम स्वतंत्र रूप से ना बोल पाए वही व्यंजन है। जिनको हम स्वतंत्र रूप से ना बोल पाए वो क्या है? व्यंजन है। जैसे देखो यहाँ पे क ख, ये हम बोल नहीं पाएंगे, इसमें से अगर अलग बोलेंगे नहीं बोल पाएंगे। घ ङ छ छ ज झ य, तो ये सब क्या है? सब सबके सब व्यंजन वर्ण हैं। सबके सब क्या हैं? सभी के सभी व्यंजन वर्ण हैं। और जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, ध्यान देना, इसको आप बोल नहीं पाओगे जब तक इसमें स्वर ना डालो। तो जब हमको बोलना होता है तो हम इसके अंदर ना इसको बुलाते हैं, तो बोलते हैं क। अगर अ नहीं आया ना तो हम ई को बुला लाते हैं, तब वो आ जाता है ई, तो वो बना देता है की, तो हम बोलते हैं की, या बोलते हैं कू, या बोलते हैं के, या बोलते हैं को। तो ये जो कोई भी व्यंजन वर्ण जो है उसको हम फ्रीली नहीं बोल पाएंगे। क ख ग घ ङ छ छ ज, जिसमें अ हम बोल रहे हैं, ये सब हम केवल इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, केवल हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है? आपके व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण ध्यान दीजिएगा, यह अकेले नहीं बोले जा सकते, और इसमें जो होता है हलंत लगी होती है। ये जो हलंत है ना, एक तरीके से छनने के बाद में बचा है, माने आफ्टर फिल्टरेशन, आफ्टर फिल्टर होने के बाद में, मतलब अगर हम क में से अ को जब माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तब बेचारा बचा है क, ठीक है। या हम कहें कि जब की में से हम ई को निकाल देंगे, तब बचा है हमारा ए, ठीक है। तो यह क्या है? हलंत जो लगे हैं ना, ये सब हलंत जो है, ये हलंत केवल और केवल व्यंजन में लगते हैं। एक बात नोट कर लीजिएगा कि यह केवल और केवल व्यंजन में लगते हैं, कभी भी अ के नीचे ऐसे नहीं लगेगा, कभी भी ई के नीचे ऐसे नहीं लगेगा, कभी भी ऊ के नीचे ऐसे हलंत नहीं लगेगा। एक बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि यह जो स्वरों को आधा नहीं कर सकता, स्वरों को, स्वरों के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगता है। हलंत कहाँ लगेगा? हलंत केवल और केवल व्यंजन वर्ण में लगेंगे, मतलब हलंत कहें तो सीधे केवल हल में लगेंगे। हलंत क्या कहेंगे? हलंत जो होते हैं सब केवल व्यंजन में, माने हल में ही लगेंगे, स्वरों में नहीं लगते हैं। कितने लोग कंफर्म हो गए? किसी को समस्या हो तो बता दो कि कहाँ पे लगेगा, व्यंजन में लगेगा या स्वर में लगेगा। क्वेश्चन का जो क्लासेस रहेगा वो भी मैं आप लोगों को दिया करूंगा, क्वेश्चन की भी वीडियो एक दो चार दिन में के अंदर में ही स्टार्ट कर देंगे, तो उससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी, डिटेल भी बढ़ा देंगे। बहुत सारे लोग डिटेल के लिए कह रहे थे, तो फिर से स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं। देखिए ये जो स्वर है ना, स्वर की परिभाषा है, स्वर को अच भी कहते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं राज करते हैं वही क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक। हलंत तो मतलब वो आधा कर नहीं पा, मतलब उसमें स्वर निकल गया है, ठीक, उसमें से स्वर निकल गया, वो होता है हलंत। तो यहाँ पे क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राज क्यों करते हैं वो स्वर हैं। जैसे अ ई उ रि रि ए ओ अ, यहां लिखने में मजा आता है, यहां लिखने में मजा आता है, बिल्कुल बेहतरीन चलता है, ठीक है। बबीता कह रहे हैं जी ठीक है बिल्कुल। तो ये जो है आपके यही स्वर हैं। अब कहेंगे सर आप अ को तो लिख दिए, ये बताओ कि आप आ क्यों नहीं लिखे, आप जो है ई क्यों नहीं लिखे, आप जो है ऊ क्यों नहीं लिखे। तो मेरे भाई मेरे बाप ये भी होता है, री क्यों नहीं लिखे, दो बार होता है नीचे यहाँ पे, तो यह क्यों नहीं लिखे। तो हम आपको बता दें कि यह अ ही है, यह जो है यह अ ही है, और अ के केवल यह दो रूप नहीं होते हैं, देखो ये भी अ का ही रूप है, ठीक है, ये भी अ का ही रूप है। यह जो अभी हम लिख रहे हैं यह क्या है? प्लुतई, ये भी उसी में है, ठीक है, ये जो है प्लुत उ, ठीक, प्लुत उ, ये भी उ ही है। इसका मतलब कि अगर हम एक अ लिख दिए तो ओ ए ह्रस्व अ भी आ जाएगा, यह दीर्घ अ भी आ जाएगा, यह प्लुत आ भी आ जाएगा। इसका मतलब सभी के सभी आ इसमें आ जाएंगे, ठीक है, सभी के सभी आ इसमें आ जाएंगे। मतलब अ जितने भी, और अ के कितने रूप होते हैं सभी लोग बताओ, जो लोग पढ़ चुके हो बताओ, हाँ संस्कृत में सब कुछ ऐसा ही है।
आ ई उ रि लि ओ ऐ औ, ऐसे ही सही क्रम यही है, सही क्रम यही है। संस्कृत में लिखने के लिए आएगा और आपको यही करना पड़ेगा। आप हिंदी पढ़ते हैं तो अ आ ई उ ए अ ओ अ अं आ, वो सब आप करते हैं ना, तो वो हिंदी में करिएगा। आप यहाँ पे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। अ ई उ रि लि ए ओ ऐ औ, इसी को स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ, सभी लोग बताते चलो। आपको यह वीडियो जो है 10 सेकंड डिले में जा रहा होगा, 10 to 12 सेकंड, ठीक है, 10 से 15 सेकंड में ही रहता है, 12-15 सेकंड के अंतर पे जाता है। तो आप सभी लोग जो है बताते चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया, जब पूछे तो जल्दी बता दिया कीजिएगा, लेट करेंगे तो उतना ही लेट इधर जाएगा, ठीक है। अब हमको बता दो कि यह जो अ है इसके कुल कितने भेद होते हैं, यह जो अ है इसके कुल कितने भेद हैं बताओ, यह जो अ है इसके कुल कितने भेद होते हैं जल्दी बताओ, बताते चलो सभी लोग। देखो आराम आराम से चल रहे हैं, अभी मत कहना सर फास्ट चल रहे हैं, सर स्लो चल रहे हैं, सर ए चल रहे हैं, सर वो चल रहे हैं, ठीक है, आराम आराम से चल रहे हैं। हाँ समझ में आ गया जी, आंसर तो आ गया जी। हमको बताओ यह अ के कितने भेद होते हैं, अ के कुल कितने स्वरूप होंगे, अ के कुल कितने भेद होंगे बताओ सभी लोग बताओ। अरे विराट आप तो पढ़े हो, विराट तो है कि चले गए, ये कई बार आते हैं, क्लास प्रारंभ करवाएंगे उसके बाद चल चलेंगे। 18 होते हैं, गुड, बहुत सही। शुभम बताएं सबसे पहले, 18 होते हैं, 18 प्रकार के यह अ होते हैं, ठीक, 18, 6 ह्रस्व के, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के, 6 ह्रस्व के, 6 दीर्घ के, 6 प्लुत के और 18 के 18 केवल इसी में निवास करते हैं। माने अ लिख दिए तो वो 18 अ उसी में आ गए, ऐसे ही ई लिख दिए तो 18 ई उसी में आ जाएंगे, ऊ लिख देंगे तो 18 ऊ इसी में आ जाएंगे, री लिख देंगे तो इसमें भी सभी आ जाएंगे, ए लिखेंगे तो 12 ठो आएगा, ठीक, ए में केवल दीर्घ होगा और दीर्घ के बाद में प्लुत होगा। ए के अंदर में जो ए है यहाँ पे, इसके अंदर ह्रस्व नहीं होता है, ओ के अंदर ह्रस्व नहीं होता है, ऐ के अंदर ह्रस्व नहीं होता है, औ के अंदर ह्रस्व नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे अभी और बात करेंगे तो बताएंगे इसको और किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें स्वरों की संख्या, तो इसकी संख्या 9 हुई। आप सभी लोग यहाँ से काउंट कर लो, एक, सभी लोग काउंट कर लो यहाँ से, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, पहले हम 5 लिखे हैं तो 5 का भी कोई मतलब है, ध्यान देना, 6 7 8 9, तो इस तरीके से कुल 9 स्वर बताए गए। कुल कितने स्वर बताए गए, 9। और यह जो 9 स्वर हैं मैं बार बार लिख रहा हूँ, भूलिएगा मत, अ ई उ री ली ए ऐ सॉरी ए ओ ओ ऐ और ओ, यही है, ठीक है, यही है, इतने ही है, यही 9 हैं। अब इन्हीं 9 को आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। अब इन 9 को थोड़ा कैटेगराइज करते हैं। स्वरों की संख्या तो पता चल गई कि ये टोटल संख्या 9 है, मूल स्वर उसमें से 5 हैं और संयुक्त स्वर उसमें से 4 हैं। मूल स्वर 5 हैं, संयुक्त स्वर क्या हैं, 4 हैं। विराट आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया क्या, विराट आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया क्या, क्योंकि आप आजकल आप प्लस पे क्लास लेने नहीं आते हो, थोड़ा हमको बताना कि आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया क्या, एक बार कंफर्म कराना कि आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है या एक्सपायर हो गया, क्योंकि आप क्लास में एकदम नहीं दिखाई देते हो यार, एकदम नहीं दिखाई देते हो क्लास में, गायब ही रहते हो। बताते चलो, तो ये क्या है मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 5, और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई, संयुक्त स्वरों की संख्या हो गई 4। अब कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, थोड़ा इनको भी हम सेटिंग कर लेते हैं, इनको भी बना लेते हैं, ठीक है, इनको भी जानना जरूरी है कि कौन है कितने हैं। तो मूल स्वर 5 है तो कौन कौन है कोई बता सकता है, सभी लोग जो जानते हो बताते चलें, जो जान रहे हैं वो बताते चलें, वो मेरा इंतजार ना करें, वो बताते चलें कि हाँ कौन कौन है कैसे कैसे हैं, ठीक है। अरे तो आप बताए नहीं, आप बताए, आज जो है आप प्लस में आइए, आज आप प्लस में आइए, ठीक है, आप बताए नहीं, सब्सक्रिप्शन लो फिर से आओ इस पे, बताए नहीं कभी आप, और क्लास में भी नहीं आ रहे हैं, गायब हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। तो मूल स्वर पांच हैं, कौन कौन है बताओ ना जल्दी जल्दी, कोई बता क्यों नहीं रहा है भाई, मूल स्वर संख्या पांच है तो कौन कौन है, सभी लोग आओ बताओ। अब हम बता देंगे, देखो इतना वेट में नहीं करूंगा। अ ई उ री री, यही पांच हैं जो मूल स्वर हैं। इसका मतलब जो मैं पहली बार 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 लिख रहा हूं, जो मैं पहले लाइन में लिख रहा हूं बार बार, ये मूल हैं। मैं बार बार इतना ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये मूल हैं। उसके बाद में क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाले हो जाएंगे, और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ये नीचे क्या है, ये संयुक्त हैं, ये क्या है संयुक्त है, इसलिए इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं। स्वर संख्या चार कौन कौन है, ए ओ आ ओ, क्लियर हुआ, समझ में आया, ये क्या हो गया आपके संयुक्त हो गए। अब संयुक्त हुए तो ये भी पता करना चाहिए कि संयुक्त हुए तो कौन कौन मिल करके संयुक्त हुए, ये भी तो जरूरी होना चाहिए कि संयुक्त अगर हुए तो कौन कौन हुए। क्वेश्चन के सबसे मैं बताता रहूंगा, अभी क्लास करते चलो, क्वेश्चन मैं हर एक क्लास के बाद कोशिश करूंगा क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। क्वेश्चन भी जब करवाते हैं तो आप गायब रहते हो, डेली क्लास में रहो, चाहे जहां क्लास रहे डेली क्लास में रहो, ठीक है, करवा देंगे हम उसको। तो अब ये भी पता होना चाहिए कि कैसे किस किस तरीके से बने हैं, तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जब हम अ में इस वाले कलर से अच्छा नहीं लगता है, रेड वाला उठाओ तो कहीं बेकार रहता है, रेड कलर ना उठा करके येलो बेलो इससे लिखते हैं। तो यहां पे ध्यान देना, जब हम क्या हो अ में ई को जोड़ते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है ए। और जब हम अ में एक बार फिर से इस ए को ला करके जोड़ देते हैं तो बन जाएगा आए, दोनों को ध्यान दीजिएगा, ई में अ में अगर हम अ को अगर हम ई में मिलाए तो ए बना, अब इस ए में फिर से अगर हम अ मिला दिए तो क्या बन गया, आए बन गया, बना कि नहीं, अ धन ई बराबर ए और अ धन ए बराबर आए। ध्यान से पढ़िएगा, संधि में बहुत प्रयोग होगा इसका, इसका यूज संधि में होगा, जब हम संधि पढ़ाने लगेंगे तो वहां पर इसका बहुत यूज होगा, वहां पे हम इसका बताएंगे, और जब हम उच्चारण स्थान पढ़ाते रहेंगे तब वहां पे बताएंगे इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज उच्चारण स्थान में ज्यादा पड़ेगा, संधि में कम उच्चारण स्थान ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा अ धन ई वाला। अब अगर हम मान के चलो दूसरा वाला अगर इसका बता दें, तो दूसरा वाला इसके साइड बता देते हैं, कि जब हम अ में ऊ को जोड़ते हैं तब क्या बन जाता है, ओ बन जाएगा, जब हम अ में उ जोड़ेंगे तो बन जाएगा ओ, और जब हम अ में फिर से ओ को जोड़ देंगे तो बन जाएगा औ, बना कि नहीं, सभी लोगों से बन जाएगा या नहीं बनेगा हमको एक बार थोड़ा सा कंफर्म करवा दो, हमको बार बार कंफर्म करा, चलो देख रहे हैं 13 लोग लाइक कर रहे हैं, 10 ठो, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है ऐसे क्लास में करते हुए, जैसे लगता है कि एक लाइक करने में भी बहुत बड़ा पैसा जा रहा है, जैसे लग रहा है कि उसमें भी पैसा लग रहा है, पता नहीं जब पैसा ही लगने वाला रहेगा कंडीशन तो क्या करेंगे लोग, अब जाकर करके कुछ बढ़ा है, ठीक है। अरे चुलबुली आई है, नमस्कार नमस्कार चुलबुली जी, कैसे हैं भाई, कैसे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 9 ठो केवल लाइक किए हैं, जो 1 लोग लाइक किए हैं वो भी घटा दिए, बुद्धि गजब हो, नमस्तुभ्यम, सभी लोग कौन कहे लाइक करने को और कम ही कर दो, अच्छा है चलो भगवान करें नित्य प्रतिदिन आप लोगों की ऐसे ही वृद्धि होती रहे, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहला वर्ण यहाँ पे हो गया, ये दूसरा ओ की उत्पत्ति में बता दिया, ये तीसरा आय की बता दिया, और ये चौथा जो था वो किसकी बता दिया, औ का में बता दिया। तो आप इन सबको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उच्चारण स्थान में इसका बहुत बड़ा योग हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये कुल कितने स्वर मिले, स्वरों का विभाजन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा है, तो स्वर चल रहा है, स्वरों के भेद के बारे में हम बात करेंगे। देखो स्वरों के भेद हमारे यहाँ 3 भेद बताए गए हैं, कितने भेद बताए गए हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 भेद कौन कौन है ध्यान से देखना, नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 आपका होगा दीर्घ स्वर, और नंबर 3 आपका होगा प्लुत स्वर। क्या होगा, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। आई बात समझ में,
बस बिल्कुल अच्छे हैं चुलबुलो जी। सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और डेली लाइव क्लास में उपस्थित रहिए, ठीक है। डेली लाइव क्लास में उपस्थित रहिए, सभी लोग जो है अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अब यहाँ पे फ्री में पढ़ाओगे तब नहीं पढ़ेंगे, तब कहेंगे सर हमको, तब 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 यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, तब तो सोचो। अब यहाँ जब फ्री में क्लास चलाएंगे तब तब पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो शेयर तो कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर करो, नहीं करोगे तो वहीं हम बताएंगे बार बार, हम तो अपने यहाँ से आशीर्वाद देंगे कि गुरु से कपट न मित्र से चोरी, के हुई निर्धन के हुई कोड़ी, के हुई निर्धन के हुई कोड़ी। तो अब हमसे ही कपट करोगे, हाँ सर शेयर कर दिया तो भगवान ही बचाएंगे आपको, ठीक है। फिर वो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं तो गुरुजी का अंदर से जो कष्ट निकलता है, निगेटिव वेव्स होती है, वो भी आप लोगों को नुकसान करेगा। अब हम नहीं जानते, भगवान समझे। तो इसलिए सभी लोग क्या करो, लाइक तो जरूर करो, अच्छा लगे ना लगे जो भी लगे, कुछ दिन सपोर्ट करो भाई आप लोग, और शेयर खूब करो, ठीक है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी लोग इंस्टाग्राम पे हमको हमको फॉलो किए हैं और किसी के इंस्टाग्राम पे कोई शेयरिंग नहीं कर दिया गया है, ठीक है। अब बताओ जब आप लोग इन्हें हेल्प करोगे तो क्या मिलेगा, फ्री का पढ़ भी रहे हो, भगवान है जाने पे। तो ह्रस्व क्या होता है, अब ह्रस्व कौन होते हैं, एक मात्रो भवे तो ह्रसो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। एक मात्रा काल वाला जो होता है वो ह्रस्व होता है। एक मात्रो भवेत ह्रसो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा सुप्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। तो एक मात्रा काल जो होता है, देखिए यहाँ लिखे हम वर्णों का उच्चारण काल, तो जिस वर्ण का उच्चारण काल एक मात्रा काल का होगा उसे हम ह्रस्व कहेंगे, और जो जिसका उच्चारण काल द्वि मात्रा काल का होगा उसे हम दीर्घ कहेंगे, और तीन मात्रा काल की हम प्लुत कहते हैं, प्लुत जानना चाहिए, और व्यंजन की च माने और, अर्ध मतलब आधी मात्रा जाननी चाहिए, ठीक है। जाएगी आधी मात्रा होगी तो एक मात्रो भवेत ह्रसो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, एक मात्रा काल वाले ह्रस्व होते हैं, द्वि मात्रा वाले दीर्घ होते हैं, तीन मात्रा वाले प्लुत होते हैं, और व्यंजन की हमेशा आधी मात्रा होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कैसे होता है, यह होता है अ, आगे भी आएगा स्लाइड, ई उ री, और री के तनी अलग कलर से लिख देते हैं, लरी दुलरुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। यह एक ऐसा वर्ण है ना जिसका ह्रस्व ही नहीं होता है, ये बात समझिएगा। अब अगर हम अ का जो है थोड़ा दीर्घ लिखें तो क्या होगा, अ का दीर्घ हो जाता है आ, ई का हो जाएगा दीर्घ ई, ऊ क्या हो जाएगा उ, री का क्या हो जाएगा एक बार और कर दीजिएगा री, लरी का होता ही नहीं है, लरी का दीर्घ नहीं होता है। उस वक्त आता है ए ओ आए, ओ, ये चार वर्ण और आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अ का जैसे देखिएगा, अ का आप यहां पर बना लीजिएगा, अ का प्लुत हो जाएगा ऐसा वाला, ठीक, ई का बना लीजिएगा ऐसा वाला, इत्यादि बना दे रहे हैं, ठीक है, आदि। तो इसका प्लुत जैसा बन जाएगा, सबका प्लुत हो जाएगा, सबका प्लुत बना लेना जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो यहां पर देखना जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ध्यान से समझते हैं, महत्वपूर्ण बातों को, ए ओ ए औ, इन सब का ह्रस्व नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका ह्रस्व नहीं है, शायद सुवम पूछ रहा था क्या दो दिन से, कि निम्नलिखित में से किसका ह्रस्व नहीं होता है, ठीक। तो ह्रस्व किसका नहीं होगा, ह्रस्व किसका नहीं होगा, ए ओ ए औ का। अब वो करा सर ऊ तो भी, इसका भी हर्ष नहीं होगा, अरे बेवकूफ, फिर पूछा था कि इस किसका हर्ष नहीं होता है, इसका तो हर्ष ऊ हो जाएगा, इसका तो ऊ हो जाएगा हर्ष। अब बताओ ए का हर्ष हम क्या लिखेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं सर कि ए वाले का हर्ष ए बना दो, नहीं होता है। ओ का हर्ष क्या होगा, नहीं होता है। आय का हर्ष क्या होता है, नहीं होता है।
औ का भी ह्रस्व नहीं होता है। तो जो ये चार हैं इनके ह्रस्व नहीं होते और जो ली है इसके दीर्घ नहीं होते। कोई बच्चा कहा रस्य मार दो, हमारे मारने से थोड़ी ना हो जाएगा। जब पानी बब्बा नहीं लिखे, पतंजलि जच्चा नहीं बोले, तो हम क्या भी मतलब का उसमें करेंगे गणित। तो वो जब नहीं, जिस जो चीज कहा गया उस चीज को हम नहीं लेंगे। ठीक, जो चीजें नहीं है वो चीजें नहीं है। तो यही क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ, किसका दीर्घ नहीं होता, निम्नलिखित में से किसका दीर्घ नहीं होता। और वो ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, और इसमें जो वैल्यू रहेगा, जो मतलब उसमें लिखा रहेगा, वो क्या लिखा रहेगा, अ ई उ ली। कहेंगे किसका दीर्घ नहीं होता, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। चलो निर्दोष जी हैं, चुलबुली हैं, हैं चुलबुली हैं, और अर्चना हैं, शुभम हैं, बबीता पाल हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो बताएं ना किसका दीर्घ नहीं होता। अब आपके सामने तो लिखा भी है किसका दीर्घ नहीं होता, बताओ। अरे अब तो क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख गया, अब तो बता दो। अब तो क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख गया, बोलो श्री राम। आशुतोष मिश्रा जी का सबसे पहले आंसर आया है। ये देखो लरी, लरी मैं यहाँ पे अलग से कलर किया हूँ कि लरी का दीर्घ नहीं होता और यही पूछा जाता है। ठीक, कहीं कहीं अगर ऐसा लिख दिया तो ध्यान देगा कि ये लरी नहीं है, ल है, ये तो व्यंजन है, इसका तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। वो दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, तो ल लिखा रहेगा एक जगह, लरी लिखा रहेगा, तो ये ल व्यंजन हो जाएगा और यह स्वर हो जाएगा। ठीक है, यह स्वर हो जाएगा, लरी स्वर है, लिख देंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। देखिएगा ध्यान से, मैं क्वेश्चन फिर लिख रहा हूँ आप लोगों सामने। लिखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, ऐसा ऑप्शन देंगे, ऐसा ऑप्शन न देंगे जिसमें झमेला करे रहे हैं वो। ठीक है, वो कुछ ऐसा देंगे ही जिसमें परेशानी बढ़ाए रहे हैं। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, य व र लरी, ऐसा लिख दीजिए, य व र लरी, और कर देंगे बताओ इसमें से कौन सा स्वर है, तो कौन सा स्वर बताओगे आप लोग, डी वाला सही होगा, क्या हो जाएगा, डी वाला। अरे आशुतोष जी आपको इतना आंसर दिए हैं, आपका तो आंसर ही नाम तो जरूर लिए हैं, ऐसा थोड़ी ना। देखिए अभी विराट जी भी कर रहे हैं, सरिता सिंह जी हैं, हम तो सोचे सीता सिंह जी आ गई क्या, निर्दोष। सरिता सिंह राजपूत जो है मैसेज कर रही है, हम सोचे कि सीता सिंह जी आ गई क्या। प्रिया शुक्ला है यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ी है, आप लखनऊ से हैं, लखनऊ से या कानपुर से। आशुतोष जी, देखिए आशुतोष मिश्रा जी हैं, गुड, बहुत अच्छा, सरिता जी ने डी आंसर कर दिया, डी वाला सही है, हाँ बिल्कुल सही होगा। तो ये ध्यान देना, आंख में थोड़ा सा कुछ जाए ना वो लिखा रहेगा, और फिर क्वेश्चन में दे देंगे कि कौन सा व्यंजन वर्ण है, कौन सा व्यंजन वर्ण है, और वहां पे ऐसे लिख देंगे, क्या क्या लिख देंगे ध्यान दीजिएगा, कहेंगे कौन सा व्यंजन, और लोग गलतियां क्या करते हैं अभी बता रहे हैं, यहाँ लिख देंगे कौन सा व्यंजन वर्ण है, अ ई री ल के नीचे से हलंत लगा रहेगा, और लोग सोचते हैं कि ए भी है उसके, या इनमें से सभी करके एक ऑप्शन डाल देंगे, या ल डाल के देंगे इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, इसमें तो आपका ल ही हो जाएगा, ये व्यंजन वर्ण हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन वर्ण हो जाएगा ल, और कभी कभी क्या करते हैं कि ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं, यहाँ कर देंगे ल, ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं, ऑप्शन बहुत आजकल पूरा पाती कर रहे हैं, यहाँ कर देंगे ल और यहाँ कर देंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब लोगों के दिमाग में जाएगा कि ली तो स्वर बताया था गुरुजी ने, ल को तो स्वर बता दिया था, लेकिन ल को हम स्वर नहीं बताए थे। ठीक, ल को हम नहीं बताए थे, हम किसको बताए हैं, ली को बताए हैं। इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, ये ली है, ये ल है, यह स्वर है, जबकि यह आपका ऊपर वाला व्यंजन है, नीचे वाला स्वर है। ठीक है, हम्म।
अच्छा, अब मजाक ना बनाओ, ठीक है, अब मजाक ना बनाओ, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन मारोगे तो तल्ली पे दोगे। तो ध्यान देना, यह क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये जब ल वाला और लुई वाला लफड़ा रहा करे तो ध्यान से देखना। एक जगह मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आया था, अभी मैं उसको आप लोगों को क्विज में भी दिया था, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें लिखा था कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किसी का उच्चारण स्थान पूछा गया था, ठीक है, उसमें से किसी का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो उसमें आपका एक यह भी वर्ण दिया गया था, ठीक है। अब लोग क्या सोच रहे थे, एक देखो वो दूसरा होता है, ये लितु लशा नाम, ये दूसरा होता है, लितु लशा नाम जो दंता चलता है ये दूसरा चलता है, और ये ल है, ये ल है लुतु दूसरा, तो ऐसे ऐसे किस तरीके से, इस तरीके से कर कर करके वो अलग अलग कर करके आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर के समझना चाहिए, ठीक है, ध्यान देकर समझना चाहिए। फिलहाल जहां पे स्वर हो या कुछ ये सब चीज हो तो सब सारी चीजें जब आएंगी तो हम बताएंगे। कुछ ऐसे ही कर करके दिया था, हमको पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अभी हम क्वेश्चन और करवाएंगे। हम जानते हो ना, जब क्वेश्चन करवाते हैं घुमा फिरा करके बहुत सारा क्वेश्चन करवा देते हैं, एक जैसे पकड़ते हैं बहुत सारा क्वेश्चन ही करवाते चल जाते हैं, ठीक है, तो सब सारी चीजों को हम बताएंगे। तो ये रहा अभी ह्रस्व स्वर के बारे में, दीर्घ स्वर के बारे में, प्लुत में एक क्वेश्चन है, वो पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, कौन सा वर्ण है जिनका प्रयोग प्रायः वेदों में मिलता है, जिनका प्रयोग प्रायः वेदों में मिलता है। सुरभि जी, सुरभि मंडावट हाय, बिल्कुल जी, ये हाय लोग क्या करते हैं बताइए हमको भी। ओहो, हाय करें तो हमको उठपटांग सा लगता है, संस्कृत भाषी में हमारे हाय हाय का कोई रिप्लाई हमारा नहीं बनता है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फिलहाल हेलो, ठीक है, हाय, चलो ठीक है, हाय, अब हाय का रिप्लाई कैसे करेंगे, हेलो हेलो, अब भगवान जाने जो भी करते हैं, चलिए भगवान, सब सभी लोग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मस्त है, सभी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह रहा, पूछेंगे कि किस वर्ण का प्रयोग जो है प्रायः वेदों में दिखाई देता है, प्रायः वेदों में मिलता है, ठीक, प्लग स्वर, प्लुत, प्लुत, प्लग नहीं, प्लुत, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो प्लुत होते हैं ये प्लुतों का जो होता है यह प्रायः वेदों में वर्णन होता है, वेद में ही देखने को मिलते हैं, ऐसे तो ये दिखाई ही नहीं देते हैं, प्लुत ऐसे गायब रहते हैं, अदृश्य रहते हैं, ये उसी में दिखाई देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्लुत है, प्लुत, आगे देखते हैं। तो ये सूत्र, यह जो श्लोक है, आप सभी लोग पहले तो याद कर लीजिएगा, यह श्लोक सभी लोग याद रख लीजिएगा, यह श्लोक बहुत बेहतरीन है, क्या है, एक मात्रो भवेत हर्षो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु गेयो प्लुतो, प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बताइए रिंकी यादव जी, आप बहुत कम आंसर दे रहे हैं, हाँ, ओम का जो है, ओम में जो है ओम, ओम तो जो खींच रहा है, पपुआ, ए पपुआ रे, ये पुलुत है, ये क्या है, ये क्या है, पुलुत है, हाँ? प्रियवा, ए प्रियवा रे, ये जो ऐसे लास्ट में बोलते हैं खींच खींच के, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, केएलएस एजुकेशन, अब आपका नाम क्या है, हमको क्या पता, कोमल सागर, चलिए अच्छा भाई याद हो जाएगा, कोमल सागर, आप कहाँ से हैं कोमल सागर जी, एक बार सभी लोग बता दीजिएगा, आप बताइएगा थोड़ा, मैं कब से बैठा हूँ, मेरा पीठ दर्द करने लगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते, दौड़ते धूप लेते, चलिए बताते रहेगा आप लोग, तो बताते रहेगा। देखिए यूट्यूब के सेशन में ये फायदा रहता है कि थोड़ा बैठे बैठे थक जाओ तो उठ भी जाओ, और पेन कापी भी लेकर के उठे रहो और लिखते रहो, ठीक है, तो बताते रहो, थोड़ा बता दो हमको, बताते चलो। अब रिंकी यादव कह रही है कि सर आप दिखाई दीजिए, अगर हम दिखाई देंगे बताओ तो हम कैसे उठ पाएंगे, भेजे में बैठ रहा है, अच्छा, खाना बना रही है रिंकी, रिंकी यादव, चलिए हमारे यहाँ तो खाना करके रखा है और ठंडा हो जाएगा केवल आप लोग पढ़ाते पढ़ाते ही, अब उसके बाद में ही जो भोजन मिलेगा ऐसे तो नहीं मिलेगा, भेजे में घुस जाएगा, चलिए बढ़िया है, भेजे में घुसा लीजिए, ठीक है। तो मम्मी चिल्लाती होंगी, निर्दोष उठे नहीं अब सुतल बात, तो कहिए मम्मी ये तू का पुलुत कहाँ से सीख ली, ये सब पुलुत वाले हैं, ठीक है। एक जगह ऐसे ही पढ़ा रहे, क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ जी बिल्कुल लखनऊ से, एक जगह क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें आया था कि अगर किसी व्यक्ति के ओष्ठ काट दिए जाएं, अगर किसी व्यक्ति के ओष्ठ न रहे या ओष्ठ काट दिए जाएं तो बताइए कि वह कौन सा वर्ण नहीं बोल पाएगा,
तो सबसे हम सोचने लगे और हंसने लगे पढ़ करके कि सोचिए कि ये भी क्वेश्चन आ गया बाबूगा बाबूगा राउर ध्यान दें तनी, बिहार में चुनाव बा और वहाँ जितना लोग हैं थोड़ा सा ध्यान दें जे भी युवा बा देख अगर युवा हुई हन तब तो ठीक बा और अगर बुढ़ाई गल हुई हन तो ध्यान से जौन बा जौन सरकार गवर्नमेंट जौन भी बा अपन ठीक से वोटिंग करिहन नहीं तो फिर न बुढ़ाल हुई हन तो बुढ़ाए जरूर जइहन ये बात पक्का मान के चलिहन। और 5-5 हजार रुपया सुन रहे सबके खाते में आ गया है हैं? खाना खाएंगे यार घबराओ नहीं अपना अपने घर में आ गया अब तो मेरे अंदर है तो चमड़ी तो खाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो आराम से क्लियरली बात हो जाती है तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा और नहीं तो फिर पता चला युवा पंथी सब निकल जाएगी सारा युवा पंथी सबका बिक गया है और थोड़ा बहुत बचा है। हम सुन रहे हैं कि 5-5 हजार रुपया जो है आया है खाते में सबके तो 5-5 हजार रुपया लेना है या बउआ की नौकरी चाहिए तो बउआ तो वहीं पर बोलते हैं ना बउआ बोलते हैं कुछ और बोलते हैं नहीं बउआ नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वहां पे बिहार में प्रीति प्रीति सिंह जी हैं कि नहीं प्रीति सिंह जी होंगी बताएंगी वो कहते हैं राउर तनी ध्यान दहीन और चुनाव के चुनाव निशान है बाय एक खेतवान लालू जी का था तो चुनाव निशान ललटेन ललटेन को चुनाव निशान मिल गया था उनको। चलिए ठीक है फिलहाल मजा आता है उनका हमको जब हम सुनते हैं तो आगे की ओर चलते हैं। ध्यान देखना इस वाले पे स्लाइड पे बेहतरीन चीजों को हमने यहाँ पर ला दिया ह्रस्व दीर्घ प्लुत और सभी व्यंजन वर्णों को इसी क्रम में मैं उसको लगा दिया जिस क्रम में आप लोग अभी पढ़े थे। एकमात्रो भवेत ह्रस्व मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से रट लें ठीक है। अरे नहीं, ओ अभी हम देख रहे थे तो कर रहे थे कि राउर तनी आप जनिहन कि तोके जौन बाय वोट चाहिए 5 हजार रुपया नोट के बदले वोट देवा कि तोके जौन बा कुछ नौकरी भी चाहिए। अरे वो क्या बोलते हैं उसको हम याद नहीं मतलब याद नहीं आ पा रहा है कि बच्ची के मतलब युवाओं को बच्ची को क्या बोलते हैं उसको वहां पे कि तैसा पूछिया कि मास्टर साहब जौन बा स्कूल में पढ़ावत रहलेन कि सोई गए हैं गए वो सुरती बना के केवल बस चले आए ठीक है। तो बड़ा अच्छे अच्छे से तो ध्यान सभी लोग बिहार की स्थिति आप लोग अब कम से कम सही कर लीजिएगा क्योंकि बिहार अब नहीं सुधरा तो सोचो कि अभी तो आप लोग महाराष्ट्र से भगाए गए हो फिर सोचो कहाँ जाओगे। इतना आईएएस अधिकारी बिहार से हुए हैं इतने अच्छे पढ़ने वाले लोग हुए हैं और बिहार की आज ये हालत है कि बेचारे कहीं जा रहे हैं सभी जगह भगाए जा रहे हैं भगाए जा रहे हैं। तो थोड़ा संभल करके और नौकरी अब देख लो कि नौकरी मतलब अभी 2016 से भर्ती कंप्लीट नहीं हुई सोच लो। बात सही है कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती लेकिन कम से कम जितना हुआ है उसको तो दे दो जो पहले होना है। सरकारी विभाग सभी लोग करें हम सरकारी नौकरी करेंगे सरकारी विभाग बचा ही नहीं नौकरी का खाक करोगे किस विभाग में करोगे नौकरी। तो सभी लोग जो है अच्छे से करते रहिए। चले आए चलते हैं मूल बातों पर चलते हैं। वर्णों का जो उच्चारण स्थान है एकमात्र भवेत ह्रस्व द्विमात्र दीर्घ उच्चते इस हिसाब से मैं यहाँ पर एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक और अर्धमात्रिक जो भी वर्ण है सारे वर्णों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं ठीक है। और ये दुर्गा जी आ गई हैं ठीक है। दुर्गा जी जी बहुत बहुत स्वागत है। आयुष्मान भव दिग्विजय भव चिरंजीवी भव कीर्तिमान भव खाना पेट में भरो इतना जरूरी है ठीक है। आगे देखते हैं तो एकमात्र स्वर कौन कौन होते हैं अ ई उ ऋ ऋ ये देखो यहाँ कितनी छूट गया अ ई उ ऋ ऋ ये क्या है सब एकमात्रिक है क्या है एकमात्रिक है। द्वि मात्रा वाले आ जाओ प्लुत में द्वि मात्रा दीर्घ में आओ आ ई उ री ए ओ वाय आओ ये सब क्या है सब सब के सब दीर्घ हैं सब के सब क्या हैं सब के सब दीर्घ हैं। त्रिमात्रा वाले में आ जाओ तो देखो अ तीन ई तीन उ तीन माने अप्लुत ई प्लुत में है उ री आदि आदि नहीं है आदि ठीक है। मतलब ये जो है ये सब इस तरीके के सब क्या हैं प्लुत हैं सब क्या हैं प्लुत हैं। इसके बाद क्या है अर्धमात्रिक वर्ण आते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण क्या है क ख ग घ ग छ छ झ झ य ये सब क्या है सब सब के सब अर्धमात्रिक हैं ठीक है। तो यहाँ मैंने बनाया लरी को और यहाँ मैं बना दिया लग्न को तो सब क्या है ये सब आधी मात्रा व्यंजनों की हमेशा आधी मात्रा होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अरे प्रिया अमृता भट्ट प्रिया भट्ट है ना प्रिया अमृता भट्ट प्रिया भट्ट वही मध्य प्रदेश वाली। अरे बिल्कुल आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ इससे ज्यादा बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। ये सोचो कि आज आशुतोष मिश्रा जी ने बहुत अच्छा एक बात बताया कि सर जब तक आप पढ़ाने थे तब तक परीक्षा नहीं हुई एमपी टेट की। तो ये सोचो कि जब तक तुम स्वस्थ नहीं हुई
तब तक परीक्षा नहीं होने दिए, ठीक है। अब आप स्वस्थ हो गई हो तो अब आप एमपी टेट के लिए तैयारी करो। वैसे अभी भी जल्दी से परीक्षा नहीं होगा, डेट और दे दिए, अच्छी बात है। परीक्षा हो भी गई तो रिजल्ट अभी नहीं आएगा, अगर परीक्षा होना होगा तो बिहार में जो चुनाव है उसके पहले हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज लटके रह जाओगे। अभी अभी केवल दुनिया को ये दिखाना है कि नहीं बहुत अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। सर जी मूंगफली पेट में भरते हैं तो और कहाँ भरोगे, और कहाँ भरोगे। दुर्गा सिलेक्ट बोलते बोलते तुम लोग भी एकदम बच्चा बना लोगे का भाई, कुछ भी बोल दे रहे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये आगे आप चलेंगे, स्वर खत्म हुआ व्यंजन की ओर। तो स्वरों के बारे में एक जो समराइज बात निकल के आई क्या हुई कि स्वर मतलब क्या थे भाई, स्वर मतलब था अच, और इसकी संख्या 9 थी जिसमें 5 थे मूल स्वर और संयुक्त थे 4, ठीक। इसमें अ उड़ ऋलिक ए औंग ए औच अगर जब करते हैं आप तो इसमें अच था, तो इसमें केवल क्या था अ उड़ ऋलिक, इसका मतलब अक था, क्या था अक था, अ ई उ ऋलरी, और इसमें क्या था ए औंग ए औच, तो एच था, क्या था एच था, ए ओ ग ए औ च, ए ओ ए औ, तो एच एच हुए। 4 में मिलकर चले आए, और चारों में से हम आपको ये भी बता दिए कि जब अ में ई मिलाए तो ए बन गया, अ में उ मिलाए तो ओ बन गया, अ में ए मिला दिए तो ए बन गया, अ में ओ मिला दिए तो औ बन गया। इतनी संयुक्त में हो गया आपका, मूल हो गया, संयुक्त हो गया, टोटल हो गए 9। इसके बाद में इसमें बताया कि कुछ ह्रस्व होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं, कुछ प्लुत होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। अब ह्रस्व में कौन कौन थे, और ई बता दिए, दीर्घ में आ ई उ ए ओ आए बता दिए, प्लुत में अ तीन लिख करके ए बता दिए। तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत भी आपको हो गया। व्यंजन की आधी मात्रा होती है, ये तो मात्रा में आपको बता दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा व्यंजन की ओर, ठीक है। अब चलें कहाँ पे, व्यंजन की ओर। उब तो नहीं रहे हो, उब रहे हो तो बता देना हमको, ठीक। मेरे कहाँ था प्रिया को टिक करने के बाद ही एग्जाम ले सरकार। अच्छा आगे देखते हैं। हाँ प्रिया, प्रिया जब तक ठीक ना हो जाए तब तक गवर्नमेंट परीक्षा ना ले, ठीक है, तब तक गवर्नमेंट परीक्षा ना। अरे इसमें इतनी माहौल खराब है, आप लोग पता नहीं है। हमको तो लगता है जब से ऑनलाइन एग्जाम आ गया तब से भ्रष्टाचार हुआ ज्यादा हो गया है। हमको तो यही समझ में आता है कि जब से ही ऑनलाइन एग्जाम हुआ है ये तब से भ्रष्टाचार। ये मशीन से वोटिंग और मशीन से एग्जाम, ये दोनों चीज नहीं होने चाहिए, ठीक। ये मशीन से एग्जाम इसमें भी चोरी हो रही है, और मशीन से जो वोटिंग हो रही है उसमें भी चोरी हो रही है। ये दोनों काम मशीन से नहीं होना चाहिए, ये ऑफलाइन ही रहे तो ज्यादा सही है। ये उससे तो पेपर लीक होता था, कुछ पकड़े थे, इसमें तो कुछ नहीं लीक होता रहा है। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ऑनलाइन डाटा कहाँ जा रही है, किस पे क्या सो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं। ये तो सबसे बड़ा चोटता ही हमको लगता है, ये सब काम अच्छा नहीं है। आप लोगों को चलिए भाई, अब युवा 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 हो गए हैं तो क्या होगा। फिलहाल अब धीरे धीरे कंट्रोल में हो रहे थे सभी लोग, लेकिन कुछ होगा होगा नहीं। उत्तर प्रदेश, फलां प्रदेश, ठिकान प्रदेश, सभी जगह केवल बस भर्ती का नाम आएगा। इतने बहुत बड़े उछल रहे थे तो 30,000 ये भर्ती कराएंगे, 25,000 कराएंगे, तो जो भर्ती आप फंसाएं उसको चला दें। अभी उत्तर प्रदेश में आ गया था संविदा वाला कार्यक्रम। जब संविदा की आए कि 10 साल, जब 5 साल नौकरी करोगे तब जाकर के आप लोगों को क्या किया जाएगा, योग्य रहोगे तब जाकर के आपको सरकारी नौकरी में एक स्थायी नौकरी मिलेगी। तो इसका मतलब 5 साल के बाद वो योग्यता की जांच करोगे तो ये इसका नाम योग्यता परीक्षा क्यों रख दिए, टीचर एजुकेटर्स में ई क्या है, ये क्या है, आई बस में। तो ये तो योग्यता परीक्षा था ना, तो जब टेट में जब योग्य हो गया तो यहाँ आ रहे हो 5 साल में। इसका मतलब चलो तुम भी पहले 15 साल जो है बुढ़ौती में सबकी गांव गांव सेवा करो तो पता चलेगा कि हाँ आप जो है चुनाव लड़ने के योग्य हो गए। ये कौन मतलब निकलता है, 5 साल में क्या मिल गया आपको, तब 5 साल मतलब संविदा पे रखेंगे। तब तक हमारे यहाँ के जो शिक्षा मित्र हैं आप लोग सुने होंगे 200 साल से बेचारे परेशान हैं, शिक्षा मित्र 15 साल करीब नौकरी कर चुके हैं, कहें अरे तो हम 15 हो गए, हमारा तो तुरंत परमानेंट कीजिए, तुरंत सब कुछ लगाइए, हमारा कंटिन्यू कीजिए, हालत खराब, फिर संविदा वाला बात कैंसिल होने लगी। तब तक वो लगे प्रोटेस्ट करने सभी लोग, सब काम संविदा पे चलेगा। ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब चोटते हैं, सबको बंद कराओ, बल्ले पल्ले जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब बंद करवाओ,
ये प्राइवेट वाले स्कूल पूरे सिस्टम को खा गए। आपको पता नहीं है ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ ना पाए। जब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे आपके जेब में 100-500 रुपया थमा दे रहे हैं कि आप लोग बेरोजगारी भत्ता फलाने भत्ता ढिकाने भत्ते। जब 500 रुपये के चक्कर में पढ़ाई अपना बंद कर दोगे, पढ़ाई बंद कर दोगे तो आपका माइंड आगे सोच नहीं सकता, आप ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करते तो अंग्रेज जमाने वाली बात हो जाएगी, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी के प्रति, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर करके एक शो भी द हिंदू में एक आर्टिकल छपी थी, द हिंदू, इसको भी आप कभी देख सकते हैं, मस्त पेपर है। द हिंदू में एक छपा था कि पूरा संविधान, पूरा संविधान ठीक, और उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे इतना बड़ा सा ताला, बड़ा सा ताला लगाया गया था और ताला का चाबी बंद करके आगे कार्टून में दिखाया गया था कि मोदी जी जो है अंगुली में ऐसे हिलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, वो मतलब जो भी था वो चाबी को अंगुली में वो हिलाते हुए जा रहे हैं, और पीछे जो है वो क्या नाम है अमित शाह जी जो है वो पूरा का पूरा बोरिया एक छोई से लादे थे और इसको पकड़े थे और इस पे लिखा था बिल, और यहाँ पे सभी लोग हाथ पकड़ करके कांग्रेस वाले और सभी पार्टी वाले सब बैठे थे, यूपी वाले। तो ऐसा ऐसा आया था, ऐसा आया था कि तुम लोग कुछ भी करते रहो ये हमारा संविधान है, जो आएंगे यहाँ पे गुरुजी हमारे ताला खोलेंगे, हम इसमें जाएंगे, जितना मर्जी वो बिल पास करा करके वर्क लेके चले आएंगे। बड़ी मजे की बात आई, बहुत मजा आ रहा था देखने की बात में। तो आगे देखते हैं, चले चलते हैं व्यंजन की ओर पढ़ेंगे, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा हंस फूस लिया कीजिए, आप लोग एकदम पूरा पूरा कंटिन्यू चपे रह जाते हैं। सर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है इसलिए नहीं हुआ पेपर। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ। अब ऐसा मत को नहीं, सभी लोग कहेंगे सर आप एक लोग के लिए परीक्षा रुकवा दिए। चलिए आगे देखते हैं, उम्र गई तो कुछ नहीं होगा, ठीक, फिर वही होगा कि क्या बोलते हैं ले ला अपन कंठी माला, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए चलते हैं व्यंजन की ओर। सभी लोग रेडी हैं ना व्यंजन पढ़ने के लिए, कि थक गए हैं? थक गए हो तो बताइए, सेशन को ऑफ करें, अदरवाइज व्यंजन को पढ़ाएं। लंबा लंबा क्लास हम लेने की विचार में पड़े थे, हम सोच रहे थे कि अब लंबे लंबे जो है क्लास लिया जाए ताकि एक ही वीडियो में पर्याप्त चीजों को आप लोग पढ़ सकें। एक बार कंफर्म करिएगा चलाएं, फिर लंबे लंबे क्लास हो जाएं। कहाँ जाना है, बैठे रहिए पढ़ते रहिए, 9-10 लोग हैं बहुत हैं पढ़ने भर के लिए। तो अनुग भवति व्यंजनम, जिसका जो दूसरे पर डिपेंड होता है वही क्या होता है, व्यंजन होता है। ये क्या होते हैं, क ख ग घ, ठीक है, आई बात समझ में। खाना पीना आप लोग खाते रहिए, हमारा मन करेगा हम भी खाते रहेंगे, यहाँ से आप थोड़ी ना देख रहे हैं, छोड़ थोड़ी ना लेंगे आप लोग। तो क ख ग घ इस तरीके के जो भी हैं सबके सब व्यंजन है, सबके सब क्या है, सब व्यंजन है। और इसके उच्चारण करने के लिए आप फ्री फ्री बोल नहीं पाओगे, अभी जस्ट पीछे समझाए हैं। और इसके जो प्रकार होते हैं ये कुछ 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन है मेनली तो देखेंगे आप 3 ही, ये चौथा जो प्रकार है वो अलग से डाल दिया गया बट ऐसे आता है 3 ही, ठीक है, ये मेरा पेन, हाँ आता है 3 ही है ये। अब देखोगे हिंदी वगैरह से निकल करके आ रहा है, संयुक्त को हम अलग से बात कर लेंगे, फिलहाल 3 को हम माहेश्वर सूत्र के तरीके से देखेंगे। स्पर्श व्यंजन में होते हैं संख्या 25, अंतस्थ होते हैं 4, उष्म होते हैं 4, ये टोटल हो जाएंगे कितना, 4 4 8 5 13 33। और संयुक्त बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, इसको अलग से बात कर लेंगे। अरे पढ़ने में मजा, मेरे ना दिखने से पढ़ने मजा, और हम नहीं देख रहे हैं, अगर आप लोग हमको देख नहीं रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि आराम से खड़े हो जा रहे हैं, फिर बैठ जा रहे हैं, फिर खड़े होकर के थोड़ा घूम ले रहे हैं, फिर पढ़ा ले रहे हैं, हम थोड़ा आराम से कर ले रहे हैं। और अगर आप लोग देखते रहते तो हमको मजबूरन वहीं पे खड़े रहना पड़ता, बैठे रहना पड़ता, ऐसे क्या हम आराम से खड़े भी हो जा रहे हैं, बैठ भी जा रहे हैं, खड़े भी जा रहे हैं, बैठ भी जा रहे हैं, मजे में अपना, तो ये हमारे लिए थोड़ा फायदा है। प्लीज पे प्लस पर बहुत क्लास ली हूँ सरिता जी का, सरिता जी हमारा क्लास ली हैं आप। चलिए तो आगे एक एक ठुकर करके हम देख लेते हैं, ठीक है, आगे एक एक ठुकर करके हम लोग देख लेते हैं। ये लग रहा है आगे स्लाइड इस पे नहीं अटैच है, तो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन क्या है। तो स्पर्श व्यंजन वे होते हैं ना, लिखा गया कादयो मावशाना स्पर्शा,
क्या है? कादयो मा वशाना स्पर्शा। तो कादयो क से जिसका आदि हो, क से जिसकी प्रारंभ हो और म पे जो बंद हो वो क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं। इसका मतलब क से लेकर के म तक के सभी वर्ण का, ठीक, अन्य यहाँ कुछ नहीं है, अभी भी यहाँ पे है। तो क से लेकर करके म तक के सभी वर्ण क्या होते हैं? वो स्पर्श होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है वे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या 25 है। यह कौन कौन है? कुचू टू तू पू, क्या है? कु चू टू तू पू, कुचु टू तू पू यते उदित, इसको उदित कहा जाता है। कु मतलब होता है क वर्ग और चू मतलब होता है च वर्ग, ये हो गया आपका ट वर्ग, ये हो गया आपका त वर्ग और यह हो गया आपका प वर्ग, ठीक। इसमें कौन कौन से वर्ण मिलेंगे? कौन कौन से वर्ण मिलेंगे? यहां मिलेंगे क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड त थ द ध न प फ ब भ म, यह हुए। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, कुल 25 जो वर्ण है, 25 वर्ण जो है उसको ध्यान समझिएगा। इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। ये जो यहाँ पे आप लोग यहाँ पर देखे हैं अभी अभी, ये सब क्या है? सब इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्यों वर्गीय कहा गया? क्योंकि इनका एक एक अपना वर्ग है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो क वर्ग, तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी? 5। इसमें कितनी है? 5। यहाँ कितनी है? 5। यहाँ कितनी है? 5। यहाँ कितनी है? 5। तो ये 5 5 5 5 5 5 वर्ण है, ठीक। अरे वो अभी आप कहां से आप लोग लगे सूत्र बोलने, कहीं आप लोग दूसरा स्लाइड तो नहीं दिख रहा है? ये मिल जाता है। तो ये सब में 5 5, तो कुल वर्ण संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण मतलब कुल स्पर्शी, ठीक है, कुल स्पर्शी जो है व्यंजन, स्पर्शी वाले व्यंजन जो है, स्पर्श वाले 25 हो जाएंगे। कितने में है? कुल 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5, कुल वर्गों की संख्या 5। चूंकि यह वर्ग हैं, वर्ग में रखे गए, इसलिए क से म तक के वर्णों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, ठीक। आया समझ में? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बड़ी तगड़ा पढ़ ली है सरिता जी, तन्नी सा बोली है, तब तक प्रिया जी जो है लपेट के राइट कर दी है। तो ये क्या हो गया आपका वर्गीय व्यंजन, ध्यान समझना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक। क ख ग घ ङ छ छ झ ञ ट ठ ढ ण त थ ध न प भ घ म, 25 हैं जो स्पर्श के हैं। उसके बाद आता है यण का। यण का जो सूत्र है होता है यणवंतस्था है। यणवंतस्था, यण जो है अंतस्थ होते हैं, इसी को कहा जाता है अंतस्थ। क्या कहता है? अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण क्या कहे जाते हैं? यण प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? यण प्रत्याहार के अंदर गिने गए जितने भी वर्ण हैं सबको क्या कहेंगे? सबको अंतस्थ कहेंगे। आई बात समझ में? यण प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए सभी वर्णों को, जितने भी यण प्रत्याहार में हैं, सभी के सभी क्या होते हैं? अंतस्थ कहे जाते हैं। क्या कहे जाएंगे? अंतस्थ कहे जाएंगे। सभी लोग क्लियर है? तो अंतस्थ में क्या क्या आता है? य व र ल, य व र ल, ठीक है, य व र ल। सभी लोग शेयर करें हैं कि नहीं? सभी लोग शेयर किए हैं कि नहीं ये बताओ। सभी लोग पता नहीं कहाँ पे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल संस्कृत की ग्रामर बेहतरीन क्लास है,
जो लोग छोड़ रहे हैं वो अब हरिओम हरिओम जपें, आगे जो है क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। थोड़ा सा हम ही शेयर कर देते हैं दूसरे दूसरे ग्रुप में, देखते हैं कुछ लोग और अगर होंगे तो भी नारायण नारायण करते हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रही क्लास, तो चलिए आगे चलते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ में कौन कौन आएंगे, अंतस्थ में कौन कौन आए हैं? ठीक है, अंतस्थ में कौन कौन आएंगे, क्या बोल रहे हैं? रिंग किया किया था, गुड। तो ये आएंगे य व र ल, क्रम का विशेष ध्यान देगा। आशुतोष मिश्रा जी हैं या फिर सो गए? आशुतोष मिश्रा जी हैं या फिर सो ही गए? हमको लगता है सो ही गए वो। आगे देखते हैं, य व र ल क्या हो जाएंगे, अंतस्थ। अंतस्थ में य व र ल हो गए, उसको आता है उष्मा। कौन है? उष्मा। प्रिया जी बिल्कुल, देखते रहिएगा। उष्म व्यंजन कौन होते हैं? इसके लिए सूत्र है शल उष्माण। क्या है? शल उष्माण। शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं? शल उष्माण। जी अंशुमान राजमाशा जुड़े हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे आप लोग वीडियो मिलते रहें। तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वर्ण? तीनों श, स स स ह, ठीक, ये तीनों श आते हैं। तो शल उष्माण है, ये इसको हम उष्मीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसको क्या करते कहते हैं? हम उष्मीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए आपके उष्मीय व्यंजन, क्लियर जा रहा है? ये भी हो गया उष्मीय व्यंजन। तो अब आप लोग देख लिए यहाँ पे संख्या जो है, जो यहां संख्या है वो आपकी है 4। यहां संख्या कितनी मिली? 4। और यहां संख्या कितनी मिल गई? 25। टोटल क्या हो जाएगा? 25 प्लस 4 बराबर 33। तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी में बताया? 35। ठीक है, आपके भरोसे हम हैं इसलिए नहीं जाएंगे क्लास छोड़ कर कहीं भी। अच्छा, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल व्यंजनों की संख्या। तो अब जब हम बात करेंगे तो अभी जो इसमें संयुक्त वाले बचे हैं वो, और जो कुछ और बचे हैं जैसे अयोगवाह बचे हैं, ठीक, अयोगवाह बचे हैं। अयोगवाह 4 होते हैं ना संस्कृत में, अयोगवाह। ठीक, जिह्वामूलीय, उपधमानी, अनुस्वार और विसर्ग, जो भी होते हैं ना, अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय उपधमानी, तो ये 4 अयोगवाह पे हम चर्चा करेंगे। अयोगवाह के साथ साथ में अब चलिए बात कर ही लेते हैं संयुक्त वाला क्या होगा, ठीक है, ताकि ये खत्म ही हो जाए, कल क्वेश्चन करवाएंगे। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। ठीक, दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। वो क्या क्या होता है? जैसे क में अगर हम श जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? छ बन जाता है। अगर अ जोड़ देते हैं तो बन जाता है छ। ठीक, ऐसे अगर आप कहें त्र, तो ये होता है त, ये होता है र, इसे मिलाते हैं अ, तो हो जाता है त्र। ठीक, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, त्र हुआ, छ हुआ। ज्ञ, ज में जब य जोड़ते हैं अ जोड़ते हैं तो ज्ञानी ज बनता है। ठीक, ये भी बनता है। तो इस तरीके से पूछी जाती है, तो आप इस क्या बनता है इसको आप क्वेश्चन बताइएगा। चलिए हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से ये सब संयुक्त हैं, संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, संयुक्त के रूप में इसको यूज करते हैं। इसके बाद आता है अयोगवाह। क्या आता है? जिसका योग नहीं है वो अयोगवाह है। इसका जो है जिक्र माहेश्वर सूत्र में नहीं हुआ, इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानी। ठीक, ये क्या है? अयोगवाह है। अब थोड़ा इनको समझ लेते हैं अच्छे से कि ये अयोगवाह किस तरीके से हैं, किस तरीके से अयोगवाह में हैं और क्या है इनका रूप आकार। अनुस्वार में देखो, जैसे हम अगर अ हुआ तो इसके ऊपर जो हम ये चंद्रा का लगाते हैं यही अनुस्वार है। इसका इसी को हम बता रहे थे अभी अनुनासिक, फिर बाद में थे अनुनासिक। ठीक है, विसर्ग क्या होता है? जैसे अ के बाद में हम यहाँ पे लगा देते हैं कह, अह, टह, इस तरीके से।
यह विसर्ग है, ठीक, यह इसका जिक्र मास्टर सूत्र में नहीं है, इसका भी जिक्र नहीं है। तो यह हो गया अनुस्वार, यह हो गया विसर्ग, पहला अनुस्वार, दूसरा हो गया विसर्ग। जीवामूली क्या होता है, जीवामूली बाई डिफॉल्ट केवल दो ही में होता है, केवल दो के साथ जीवामूली और दो के साथ में उपधमानी, ठीक। तो क और ख के पहले जो ये आधे विसर्ग जैसा ऐसा बना रहे, इसको बोलते हैं जीवामूली, ये जीवामूली है। और अगर यही प और फ के साथ लग जाए तो उपधमानी, केवल दो वर्णों के साथ और किसी के नहीं, ठीक, केवल प के साथ है तब भी उपधमानी, फ के साथ है तब भी उपधमानी। क के पहले अगर सिंबल है तो जीवामूली, ख के पहले है तो जीवामूली, तो हो गया जीवामूली उपधमानी। क्या हो गया, जीवामूली उपधमानी। विसर्ग में जैसे राम श्याम ग्राम, इस तरीके से अगर विसर्ग विसर्ग लगता है तो विसर्ग। तो इन चार को रखे रहिएगा, क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं, बताएंगे चार हैं, अनुस्वार विसर्ग जीवामूली और उपधमानी। क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्नलिखित में से अयोगवाह नहीं है, अनुस्वार विसर्ग जीवामूली और उसके बाद में कोई और कुछ डाल देंगे उसी के साथ में संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन अयोगवाह नहीं कहा जाएगा। फिर अगर मतलब अनुस्वार विसर्ग जीवामूली उपधमानी आप इसको रट लीजिएगा, यह क्या है, यह आपका अयोगवाह है। कभी कभी कर देंगे निम्नलिखित में से भिन्न है, तीन ठो अयोगवाह लिख रहेंगे, एक ठो कुछ और लिख देंगे, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से देखिएगा। कभी कभी दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, यहाँ लिखेंगे अ, यहाँ लिख देंगे अह, यहाँ लिख देंगे अंग, यहाँ लिख देंगे क और यहाँ लिख देंगे छ, ठीक, कहेंगे निम्नलिखित से कौन भिन्न है, या यहाँ पे लिख देंगे छी, या लिख देंगे छू, या लिख देंगे छे, ठीक, कुछ भी लिख देंगे, कहेंगे कौन भिन्न है, तो ये भिन्न है, क्यों, क्योंकि आपका ये आपका जीवा, ये आपका अयोगवाह नहीं है, ये सब अयोगवाह है, ये सब क्या है, सब अयोगवाह है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों दोनों में सामने वो सिंबल लगा रहेगा, हाँ ठीक है, दोनों में अलग अलग, ये क के लिख सामने लगा तो ऐसे लगा रहेगा ऐसे, और अगर ख के सामने लिखा रहेगा तो इस तरीके से लगा रहेगा, अगर प के सामने लिखा रहेगा इस तरीके से, प के सामने लिखा रहेगा तो इस तरीके से। अब आपका मर्जी है, च के टामने मत लगा दीजिएगा, ट के सामने नहीं लगता है, ए इसके सामने नहीं लगता है, केवल यही चार के सामने लगता है बस, ठीक है, केवल चार के सामने लगता है। गुरुदेव हम तो देख ही नहीं पाया, हमारे मोबाइल में किसी का फोन आ गया था और हुआ करके हम देख लेंगे, जैसे भी मर्जी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अमित बधाई, अमित बढ़ई जी, बहुत बहुत स्वागत है, हाय। तो सभी लोग जो है वीडियोस को लाइक करिएगा। और अब बचा केवल क्या क्या, अब मैं क्या क्या बात कर लिया, मैं आपको बता दूं कि मैं आज स्वरों पे बात कर लिया, व्यंजन पे बात कर लिया, और स्वरों के प्रकार पे बात कर लिया, ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो सब इस पे बात कर लिया। व्यंजन में जो भी हो पाए थे आपके, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इस पे मैं चर्चा किया। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने अयोगवाह पे भी चर्चा कर लिया, ये आपका अयोगवाह अनुस्वार हो गए, विसर्ग हो गए, जीवामूली हो गए, उपधमानी हो गए। तो इतना सब कुछ मैं आप लोगों के सामने बात किया। आप लोग झटाझट अगर क्वेश्चन बताएं तो कुछ क्वेश्चन पूछें, अदरवाइज सेशन को अब बंद करें, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो क्वेश्चन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन कुछ करवा दें, क्वेश्चन जब आप लोग करने लगे तब फिर हम अगला आपको रखेंगे। अगला वाला क्या रखेंगे, अगला वाला रखेंगे हम वर्णमाला हो गया, अब पहले रखेंगे माहेश्वर सूत्र। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र, फिर बताएंगे प्रत्याहार, उसके बाद फिर उच्चारण स्थान पे बात करेंगे। माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार पे कल चर्चा करेंगे, या तो कल पहले क्वेश्चन करवाएंगे उसके बाद इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों को क्लास कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, लाइक जो लोग नहीं किए हैं वो लोग अब लाइक कर दें, ठीक है, अब वो लोग लाइक कर दें, और अपने सभी ग्रुप्स में जो है शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यह क्लास डेली का डेली आप लोगों को रात के 8 बजे डेली मिलेगा, ठीक है, रात के 8 बजे डेली मिलेगा। और एक क्लास मैं अभी आप लोगों को मैथमेटिक्स की पीडागाजी और उसकी डिटेल क्लास के लिए चलाऊंगा, देखते हैं उसकी टाइमिंग कब सही शेड्यूल रहता है, 5 बजे 4 बजे 3 बजे जब भी सही रहेगा, तो मैथ की एक डिटेल क्लास मैं आप लोगों को दूंगा पीडागाजी वाली, ठीक है। तो आप इसके लिए भी रेडी रहिएगा, जो ये कम्प्लीट हो जाता है मैं आपको वो भी क्लास की लिंक और सब सारा डिटेल आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर है।
बता देंगे बता देंगे। नहीं आज नहीं, अब कल कल कल। हाँ आज नहीं, अब कल भाई, कल कल करवाएंगे। और मैथ की भी क्लास की टाइम हम आप लोगों को बता देंगे। तो इस तरीके से देखिए आप लोगों को मजेदार आराम से जो है वीडियोस मिल जा रही है, क्वालिटी युक्त तो वीडियो मिल रही है, ना तो ऑडियो कट रहा है ना तो वीडियो कट रहा है। और अब सभी जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स वाले यूट्यूब के जो क्लास आते हैं उनके तरीके से थोड़ा सा एक अच्छा वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें अब अच्छा लग रहा है कुछ है? हाँ अब यूट्यूब वाली डेली की आएगी। मैथ की पीडोगोजी वाली टाइमिंग अभी मैं बता देता हूँ, अभी क्लियर नहीं है। मैथ की पीडोगोजी वाली क्लास की जो टाइमिंग है उसको मैं अभी बता दूंगा, कल दिन में बता दूंगा। और आप लोगों को लिंक जो है 8 बजे तक ही मतलब पहले मिल जाएगी, 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बट कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट अगर रहती है तो थोड़ा सा वो आगे पीछे हो सकती है, ठीक है? तो आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा कभी कभी आगे पीछे अगर हो जाए तो उसको आप लोग समायोजित कीजिएगा, ठीक है? अरे अब यही भोजन करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अब उसके बाद अभी आप कॉल कर देंगे तो बात ही होता रह जाएगा, ठीक है? तो अभी एक कोई एक आध लोग अगर प्लस में एडमिशन लेना है तो ले लो, क्योंकि अभी एक दो लोगों की जरूरत है। प्लस में एडमिशन लो भाई, एडमिशन लो सभी लोग, जिसको भी प्लस में चाहिए वो बताए, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।